अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, साइंस में थर्ड यूनिट का चैप्टर जिसका नाम है एयर एंड द एटमॉस्फेयर। आज इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर्स को देखना है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को देखेंगे। इसको आपने, इन तीनों क्वेश्चन को आपने अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन करना है। सो अपनी क्लास वर्क कॉपी को निकाल लिए और ये तीनों क्वेश्चन आंसर्स को आपने नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन एटमोसफेयर। इसके आंसर आपको लिखना है अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोसफेयर। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कंपोजिशन ऑफ एयर। इसके आंसर में आपने एयर की जो कंपोजिशन है वो लिखनी है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गॉन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अदर गैसेस 0.003%, वाटर वेपर्स वेरिएबल। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके पास है इज एयर सॉल्युबल इन वाटर। इसके आंसर में लिखना है यस, एट रूम टेम्परेचर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर कंटेन्स अबाउट 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिसॉल्व एयर। सो ये आज के हमारे आज की क्लास में हमें इस चैप्टर के तीन क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन करना था। इंशाल्लाह आगे के क्वेश्चन आंसर को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।